दोस्तों बाहुबली KGF और RRR के बाद अपने धनुष सर की भी एक बहुत बड़ी पैन इंडिया मूवी आने वाली है जिसका नाम कैप्टन मिलर रखा गया है, जिसका फर्स्ट लुक पोस्टर आ गया है, जिसे देखकर इतना तो पक्का है कि इस मूवी में हमें फुल टू एक्शन देखने को मिलेगा। ये मूवी 1980 में बेस होने वाली है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मूवी एक रियल एक्सीडेंट पर बेस है। क्या बोला तूने? अगर स्टोरी की बात करें तो कहानी श्रीलंका पर बेस होगी और लगभग 1980 में श्रीलंका की आर्मी ने तमिल लोगों के ऊपर अत्याचार किया था और श्रीलंका में एंटी तमिल के नारे भी लगे थे। उस टाइम एक बंदर सामने आया था जो आगे बढ़कर इन लोगों का विरोध किया था, जो देखते ही देखते सभी तमिल लोगों का हीरो बन गया था, जिनका नाम रियल में ही कैप्टन मिलर था और उनको लोग ब्लैक टाइगर के नाम से भी बुलाते थे। और इनके जीवन से ही धनुष सर की कैप्टन मिलर मूवी की बेसिक स्टोरी लाइन लिया गया है। बवाल चीज है वे। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये एक सिंपल कहानी होने वाली है, लेकिन मैं बता दूं, ये बंदा वन मैन आर्मी था। इसने अकेले ही पूरी की पूरी श्रीलंका आर्मी को हिला के रख दिया था। ये बंदा हाथ का जवाब हथौड़े से देने वाला था। इसने अकेले ही एक आर्मी ट्रक जिसमें गोला बारूद भरे थे उसे ले जाकर श्रीलंका के ही हेडक्वार्टर में ब्लास्ट कर दिया था। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अब इन सब कहानी से इंस्पायर होकर डायरेक्टर साहब धनुष सर के साथ मिलकर कैप्टन मिलर मूवी ला रहे हैं और ये मूवी पूरी तरह से कैप्टन मिलर के जीवन को दिखाएगी, लेकिन अपनी तरह से। इसमें हमें कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे जिससे मूवी और भी ज्यादा ब्यूटीफुल और एक्शन से भरपूर लगेगी, जैसा कि हमें RRR में देखने को मिला था, जिसमें दो फ्रीडम फाइटर की कहानी को मर्ज करके एक ऑस्कर विनिंग मूवी राजामौली साहब ने बनाई थी, वैसा ही हमें कैप्टन मिलर में भी देखने को मिलेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है ये मूवी हमें कैप्टन मिलर की पूरी जर्नी दिखाएगी, जिसमें कैप्टन साहब के यंग एज से लेकर ओल्ड एज तक की कहानी बताएगी और इसी कारण से इस मूवी का बजट भी लगभग 100 करोड़ से ऊपर ही रखा गया है। और इस मूवी की शूटिंग लगभग खत्म हो गई है और इनके मेकर्स का प्लान है कि इस मूवी को दिवाली के पास रिलीज करने का, और अगर ऐसा होता है तो इस मूवी का सीधा सीधा टक्कर शाहरुख खान की डंकी मूवी से होगी। अब इस मूवी के रिलीज डेट आने के बाद ही पता चलेगा कि ये मूवी हमें कब देखने को मिलेगी। और ऐसी ही वीडियो मैं अपने चैनल पर लाते ही रहता हूँ, जिसे अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना साथ बनाए रखना तरुण थिंकिंग के साथ।